लोकी का सीजन फिनाले आ चुका है और जितना एक्सपेक्टेशन मैंने इससे किया था ये उससे भी ज्यादा डिलीवर करता है। जितना परफेक्ट किसी फिनाले को होना चाहिए ये उससे कहीं और ज्यादा है। और अगर तुम पिछले कुछ मार्वल शोज को देखो तो उनसे हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो हम एक मार्वल के शो से एक्सपेक्ट करते हैं। और फाइनली अब लगता है कि मार्वल ने हम फैंस के नीड्स को समझा और एक नॉन लीनियर स्टोरी लाइन और तगड़ी राइटिंग के साथ उन्होंने हमें लोकी का सीजन 2 परोसा। और वैसे इस सीरीज के रिलीज से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकी ही एमसीयू को रिवाइव कर सकता है। और अब पूरी सीरीज देखने के बाद और पिछले वीक रिलीज हुई इको का टीजर ट्रेलर देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि मार्वल अब अपने फ्यूचर के कंटेंट से हम फैंस को हैरत में डालने वाला है। और आगे इस वीडियो में हम एपिसोड फिनाले के साथ ही एमसीयू के मल्टीवर्सल वॉर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को भी फोरफ्रंट करेंगे। वेल हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकी के फिनाले का। और चूंकि समय शाश्वत है तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पहले इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है मार्वल स्टूडियो का इंट्रो जो हमें रिवर्स में प्ले होता हुआ दिखता है, जो कि लोकी के टाइम स्लिपिंग को इंडिकेट करता है। जैसा कि हमने एपिसोड 5 में देखा था कि लोकी टाइम स्लिपिंग करके पास्ट की टीवी में जाता है टेम्पोरल लूप को एक्सप्लोर होने से बचाने के लिए। वेल इसके बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करके टीवी पहुंचता है टेम्पोरल लूप के एक्सप्लोजन से पहले, जहां वो विक्टर टाइमली को और ज्यादा केयरफुल और फास्ट जाने के लिए बोलता है। मतलब वो किसी भी तरह विक्टर टाइमली को बचाना चाह रहा था और साथ ही टीवी के डिस्ट्रक्शन को रोकना भी। पर उसके हर प्रयास के बावजूद टीवी का एक ही आउटकम निकल के आ रहा था और वो है टीवी की बर्बादी। इसे प्रिवेंट करने के लिए लोकी कई बार टाइम स्लिपिंग करके टीवी को बचाने की कोशिश करता है पर हर बार वो फेल हो जाता है। इसके लिए वो फिजिक्स, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग तक सीखता है जिसमें सदियां बीत जाती हैं, पर इन सब का कोई भी मतलब निकल कर नहीं आता और हर बार टीवी बर्बाद हो जाता। एक बार के लिए तो विक्टर टाइमली थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर से कनेक्ट भी कर देता है, पर इतनी ज्यादा ब्रांच टाइमलाइंस बन रही होती है कि टेम्पोरल लूप उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और एज यूजुअल एक्सप्लोड हो जाता है। और इसके बाद फिर लोकी टाइम स्किपिंग करके पास्ट हो जाता है जब सिल्वी ह्यू रिमेंस को मारने वाली होती है। जान लोकी सिल्वी को समझाता है कि ह्यू रिमेंस को मारने से चीजें बनेंगी नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। और मल्टीपल टाइम समझाने के बाद भी सिल्वी नहीं रुकती है और फिर तब ह्यू रिमेंस डिस्क्लोज करता है कि उसे टाइम स्किपिंग और टीवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है उसे सब पता है। मतलब ह्यू रिमेंस ने ही वो सारे पाथ बनाए जिन पर चलकर लोकी टाइम स्किपिंग सीखा और एट द एंड वो ह्यू रिमेंस से आकर मिला। और यहाँ पर हमें ह्यू रिमेंस के इंटेलिजेंस लेवल का पता लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके सारे रिजल्ट्स इसको मालूम है। और इतना ही नहीं, वो उन सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को अपने मन मुताबिक मैनिपुलेट भी कर सकता है। और आगे ह्यू रिमेंस एक्सप्लेन करता है कि टेम्पोरल लूप सिर्फ एक फील सेफ है और जब इस पर शाखाओं का भार बढ़ेगा ये उन सारी शाखाओं को मिटा देगा सेक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर, और टीवी का मिटना भी एक फील सेफ का ही हिस्सा है। आगे ह्यू रिमेंस एक्सप्लेन करता है कि लूम को तोड़ने पर जो ब्रूटल वॉर अभी तक रुका हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा करने से उसके वेरिएंट्स कॉज करेंगे मल्टीवर्सल वॉर को, या फिर वो सिल्वी को मार दे तो उसे लूम को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन दोनों ऑप्शन से लोकी बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ वो अपने लव इंटरेस्ट को मार के सेक्रेट टाइमलाइन को बचा सकता है और वहीं दूसरी तरफ लूम को तोड़कर वो शुरू कर देता है मल्टीवर्सल वॉर को, इससे कई यूनिवर्सेस तबाह हो जाती है। और इसलिए वो सही डिसीजन जानने के लिए चला जाता है टीवी के पास्ट में जहाँ फर्स्ट टाइम टीवी ने उसे अरेस्ट किया था, जहाँ वो मूवीज के साथ कन्फेस करता है और उसे पूछता है कि क्या सही रहेगा। और तब मूवीज उसे बताता है फैसला चाहे कितना भी मुश्किल हो उसे लेना जरूरी होता है। और फिर मूवीज के बातों से लोकी को अपना पर्पस समझ आता है और फिर वो पहुंचता है टीवी में जहां वो खुद पैसेज में जाने का डिसीजन लेता है और फिर आगे वो सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे शाखाएं डेड होकर बिखरने लगती है। और फिर लोकी उन सारी शाखाओं को समेटते हुए उसे रिवाइव करता है और इस तरह से वो सारी शाखाओं को समेट कर ह्यू रिमेंस की जगह ले लेता है और वो बन जाता है गॉड ऑफ स्टोरीज, जहां सभी शाखाएं मिलकर फॉर्मेशन करती है यग्ड्रासिल ट्री ऑफ टाइम को जो नॉर्स माइथोलॉजी में 9 रिम्स को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम हंटर V15 और मोबियस का कन्वर्सेशन सुनते हैं जहां मोबियस ह्यू रिमेंस के किसी वेरिएंट के बारे में बता रहा होता है जो 616 के एडजेसेंट रिम में मिला होता है। अब देखो 616 का मतलब हमारा अर्थ 616 से है जो कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन है, और यहां एडजेसेंट रिम से मतलब था क्वांटम रिम का जिसे हम ऑलरेडी क्वांटम एनिया में देख चुके हैं। फिर आगे रेंसियर दिखती है जिसे शायद वॉइड में भेज दिया गया है और उसके फेस पर पड़ रहे पर्पल लाइट से ये कंफर्म हो जाता है कि वह क्लाउड मॉन्स्टर एलॉयथ है जो ह्यू रिमेंस के सिटाडेल को अपने पावर से छुपा के रखता है और मेरे फ्यूचर में इसका अपीयरेंस हो सकता है। और फिर मोबियस भी टीवी छोड़कर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और फिर लोकी के इस एपिक शॉट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वेल अब लोकी के इन सारे इवेंट्स का एमसीयू पे क्या इफेक्ट पड़ा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जो हमें फ्यूचर के मार्वल प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। वेल अगर मेरा नरेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।